देश को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी। एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक नजारे दिल को दहला रहे थे। अंग्रेजी सत्ता ने भारत को आजादी की खुशियां भी बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनों से घोड़े, खच्चर और पैदल ये लोग अपनी मातृभूमि से दूसरे देश जा रहे थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों के चेहरों से मानो सारे रंग गायब हो चुके थे। सिर पर पोटली, नंगे पांव, फटे हाल, आंखों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे ये लोग इसी हाल में दो वतनों में अपना वजूद तलाश रहे थे। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ भड़के दंगे और हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 20 लाख तक भी बताई जाती है। इस त्रासदी में किसी को नहीं बख्शा गया। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग को लेकर हिंसा इस कदर बढ़ गई थी कि उस सर्वमान्य समझौते की संभावना ही नहीं तलाशी जा सकी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को मान्य हो। इस दौरान पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए। दोनों ओर से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया। इनमें वे लोग भी थे जो पैदल ही तरफ से उस तरफ और उस ओर से इस ओर आ जा रहे थे। दोनों ओर करीब 83,000 महिलाओं, युवतियों व बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई और कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराबा और भय का माहौल था। किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया गया था। हालात इतने बुरे थे कि सीमा पार करने के दौरान लोगों पर हमले होते थे। जो पीढ़ियों सालों साल साथ रही थी वो एक ऐतिहासिक समझौते के बाद एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थी। इतिहास में खून और आंसुओं से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियों पर भी धूल की परत बनकर छा गया था। ये ही वो दिन था जब आजादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वे सोच ही नहीं पा रहे थे क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने देखा था। ये वो दौर था जब एक तरफ लोग आजादी के जश्न की तैयारियां कर रहे थे तो दूसरी ओर देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले गांधी दंगा शांत कराने में जुटे थे। ट्रेनों में जान बचाकर भागते लोगों का काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। भले ही ये फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया लेकिन समस्या सब कुछ बंटने की थी। जिस हिस्से को हिंदुस्तान बनाया गया वहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी, वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमाएं तय कर दी और ब्रिटिश इंडिया के दो प्रमुख प्रांतों पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी गई। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने देश में बेगाना बना दिया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर नए मुल्क जाना पड़ा। हालिया तारीख में इंसानों की ये सबसे बड़ी अदला बदली थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जितने लोग शरणार्थी बने वो युद्ध और अकाल के अलावा किसी और वजह से शरणार्थी बनने वालों की सबसे बड़ी तादाद थी। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। यहाँ बरसों से सिख, मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते आए थे। वो एक जबान बोलते थे, उनकी विरासत सांझी थी, लेकिन देश के बंटवारे के बाद ये लोग एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो गए। पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमान पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान भाग रहे थे, यानी पश्चिम पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब यानी भारत आने को मजबूर हुए। बंटवारे के वक्त जो हिंसा हुई उसे गहराई युद्ध भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही तरफ सेनाओं ने मोर्चा नहीं संभाला था, लेकिन ये अपने आप भड़क उठने वाला फसाद भी नहीं था। हर समुदाय ने अपने अपने हथियारबंद गिरोह और सेनाएं बना ली थी। इनका मकसद सिर्फ एक था, दूसरे मजहब के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। बंटवारे का वो जख्म आज तक नहीं भरा है। इस दौरान बढ़की हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, तीनों संप्रदायों के बीच मेल मिलाप की कोई कोशिश नहीं की गई। ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी, लेकिन बंटवारे के वक्त जो भी हुआ उस पर दोनों ही देशों ने खामोशी इख्तियार कर ली। किसी ने भी पूरा सच न जानने की कोशिश की और न ही किसी को बताने की। बाद के दिनों में सिनेमा, थिएटर और साहित्य के जरिए बंटवारे की भयंकर हिंसा के दर्द भरे किस्से बताए और सुनाए गए। इतिहासकारों ने बंटवारे के बाद इस मसले के राजनीतिक पहलू पर ही ज्यादा जोर दिया। उन्हें भी उपमहाद्वीप की तारीख के इस काले और खूनी पन्ने के इंसानी पहलू पर गौर करने में बहुत वक्त लग गया। पिछले कुछ सालों में इतिहासकारों ने बंटवारे की त्रासदी को लेकर कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मगर शायद इसमें उन्होंने बहुत देर कर दी। बंटवारे का दर्द झेलने वाले अब बहुत कम लोग बचे हैं, वो भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। बंटवारे की हिंसा के शिकार लोगों की याद में कोई विशाल स्मारक नहीं बना, कोई इमारत तामीर नहीं की गई। बंटवारे की कहानी बताने वाला पहला संग्रहालय हाल ही में भारतीय पंजाब के अमृतसर में खुला है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।